अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब आप हमें बताइए कि हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप भोलेनाथ? जैसे गणपति जी ने माँ पार्वती और आपके चारों ओर चक्कर लगाकर ये कहा था कि उन्होंने दुनिया घूम ली, वैसे ही हमारी दुनिया केसर और अंबिका काकी के चारों तरफ घूमते हुए घूमती है। हम कैसे रहेंगे उनसे दूर? मतलब कैसे रहेंगे उनसे दूर, आप बताइए ना। नहीं रहेंगे, रह लेंगे उनसे दूर, रह लेंगे। जब भगवान श्री राम अपनी अम्मा के कहने पर 14 वर्ष का वनवास सह सकते हैं, तो हम भी आपके आशीर्वाद से वनवास समझ के सह लेंगे, सही है। और अंबिका काकी की बात को हम टाल भी कैसे सकते हैं? नहीं पर भोलेनाथ बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, मतलब एक एक दिन कैसे काटेंगे, इतना सारा सब्र कहां से लाएंगे? वैसे अंबिका काकी ने आज तक जो कुछ भी किया ना हमारे भले के लिए किया है, तो हो सकता है ये फैसला हमारे भले के लिए लिया हो। आप है ना थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखना हमारे अंदर, ताकि हम ये सब चीजें ना सहन कर सके, देखते हुए भी अनदेखा कर सके। हाँ बस इतनी कुछ। आप तो दोस्तों के दोस्तों का ना, सुदामा से भी कितनी अच्छी दोस्ती निभाई थी आपने। देखो ना आज मेरे दोस्त कबीर से मिलने पर भी पाबंदी लग गई। मेरी मासू ने ही कह दिया कि कबीर से दूर रहना। अब क्या होगा काना, अब क्या होगा? चलो मुंह तो मीठा कर लो, दोस्त से दूर होने का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। जब मासू ने मुझे कबीर से दूर रहने के लिए कहा था तब आप वहां नहीं थे, तो आपको ये बात कैसे पता? इसका मतलब यही है कि आपने मासू को भड़काया, मजबूर किया उन्हें ये सब कहने पे। Guilty as charged। जज साहब मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, जो सजा देनी है दे दीजिए। वैसे हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अरे तुम ये कहां डायमंड के बिजनेस में आ गई हो केसर, तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था, डिटेक्टिव केसर राजकौर। नहीं टीचर केसर राजकौर, क्योंकि टीचर ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेकर आती है ना। आपको पता है ना कि क्लास के सबसे शरारती बच्चे को ही मॉनिटर बनाया जाता है। अब ये शरारती बच्चे ट्रबल क्रिएट करते करते खुद कब डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने लगते हैं खुद पता नहीं चलता है, फिर चाहे हंस के करे या रोकर करे, अच्छाई के रास्ते पर तो ये आते ही है। आप भी उन्हीं नौटी बच्चों की तरह हो सूरज, इसलिए आप भी सुधरोगे तो जरूर। अब देखिए ना आपकी और मासू के बीच की उलझने भी तो कम हो रही है, आप मासू पर भरोसा कर रहे हो और वो आपकी तरफदारी। आपको क्या लगा था सूरज कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, बहुत गुस्सा आएगा मुझे कि मेरे दोस्त से दूर रख रहे हैं मुझे? पर मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो आप अच्छे से जानते हैं, आपको और मासू को एक दूसरे के करीब लाना, और वो पूरा हो रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूं। सो माय फेवरेट स्टूडेंट, मेरी गुरु दक्षिणा तो दो। अभी के लिए यही चलेगा। तुम्हारी इसी स्माइल से चिढ़ है मुझे, मैं वादा करता हूं तुम्हारे इस चेहरे से ये स्माइल हटाकर ही रहूंगा, छीन लूंगा मैं तुम्हारी स्माइल। कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट। थैंक यू फॉर द चॉकलेट। थैंक यू काना, आपने मेरी इतनी बड़ी उलझन इतनी जल्दी सुलझा दी। ये सब सूरज ने किया है और भुगतना पड़ रहा है कबीर को, मैं भी उससे बात करती हूँ। केसर अब आप बताइए बोले बाबा ये हमें क्यों फोन कर रही है, मतलब क्यों? अब आप बताइए उठाए कि नहीं?
और हेलो कबीर, मुझे तुमसे मिलना है। मिलना है? हाँ, कल ऑफिस आ जाओगे तुम? पर अंबिका काकी ने तो हमारे मिलने पर रोक लगा दी, अब कैसे मना करें इसे? हेलो कबीर। हाँ हाँ, मिलोगे ना? हाँ, हम पहुंच जाएंगे। ओके। अरे भोलेनाथ, अपने जैसा भोला काहे बना दिया हमें? मतलब केसर की किसी भी बात को हम चाहते हुए भी टाल नहीं सकते, मना ही नहीं कर पाते। नहीं, आप हमें एक बात बताइए, हमसे क्या गलती हुई है? मतलब क्या हुई है गलती? हम आपको पूरे दिल से मानते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे भक्त हैं हम आपके, फिर हमारे साथ ही काहे ऐसा करते हुआ? ये जो एक के बाद एक मुसीबतों की कतार है ना हमारी छाती पर आ रही है, हम नहीं इसको सहन कर सकते भोलेनाथ। ऐसा लगता है जैसे गेहूं के साथ गुण पिसता है ना, वैसे हम पिसे चले जा रहे हैं, बस पिसे ही चले जा रहे हैं। भोलेनाथ, ये बदकिस्मती की चक्की कब रुकेगी? अब आपसे बाद में बात करेंगे। महाराज, क्या गलती हो गई महाराज हमसे? हम तो अपने दिल की बात ही बता रहे थे ना बाबा जी को। ये तो तीनों लोगों के स्वामी, अगर इनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे महाराज? हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो बेटा। नंदी महाराज, आप स्वयं महाराज? नंदी महाराज नहीं, हम। ऊपर देखो। प्रणाम पंडित जी। नंदी महाराज गुस्सा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया उन्होंने, इसलिए बार बार तुम्हें लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं। ये संकेत है कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ऐसा सौभाग्य। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। बस भोलेनाथ, कोई नई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए, बाकी आप संभाल लेना। जय भोलेनाथ। क्या हुआ इतल काकी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कबीर के घर ध्रुवी का रिश्ता ले जाने की? काकी, वो ध्रुवी की हालत उस समय, मेरी बेटी की हालत मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कैसर? अभी जिंदा है उसके माँ बाप, तेरी तरह ना सड़क से उठा कर नहीं लाए उसे हम। केसर, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई तू? ध्रुवी की शादी कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, किससे होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।